कल सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान हुआ और चुनाव के बाद का माहौल जानने के लिए सिटी वैब अलग अलग जगह प्रत्याशियों के घर और कार्यालय का दौरा कर रही है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर नगर सीट से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग के कार्यालय पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगातार समर्थक यहां पर भीड़ जुटी हुई है, कोई चाय नाश्ते का मजा ले रहा है, कोई बातचीत कर रहा है। तो पूछ लेते हैं यहाँ पर माहौल किस तरह का है। क्या नाम है आपका? मैं विनय जिंदल। तो प्रत्याशी जी कहाँ पर है इस वक्त? प्रत्याशी जी थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन में अपने परिवार के साथ भी हैं, बहुत थक गए हैं और थोड़ा सा परिवार के साथ अपने घर पर इस समय आराम भी कर रहे हैं और कुछ अपने साथियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अभी समर्थकों में कितना चुनाव के बाद उत्साह है? उत्साह तो पूरा है, हम जीत की ओर पूरे अग्रसर हैं। हम लोग जीत के बिल्कुल जीत की तरह हैं। हम लगभग 16 से 20 हज़ार के बीच में हम लोग चुनाव जीते हैं। थोड़ी और जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरह से मतदान था कल, बहुत थकावट भी हुई होगी, चुनाव 15 दिन से लगातार प्रचार में भी थे, तो प्रत्याशी जो है कितने बजे सोए और कितने बजे उठे? रात वो 12 बजे तक तो हम लोग साथ यहाँ कैलकुलेशन में रहे, फिर हम लोग सब लोग चले गए थे 12 साढ़े 12 बजे। अब बस अभी तक तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ये पता चला है कि बस घर पर ही आराम कर रहे हैं बच्चों के बीच में, क्योंकि 1.5 महीने से वो घर से बाहर ही थे, पूरे चुनाव में लगे हुए थे, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा समर्थकों का कहना है सपा से जो नगर सीट से प्रत्याशी हैं संजय गर्ग, वो थोड़ा थकावट महसूस कर रहे और परिवार के बीच में थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सपा के कार्यालय पर अभी भी समर्थकों की भीड़ है, कैलकुलेशन लगातार जारी है, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ चाहे गुफ्तगुफ कर रहे हैं, इसी तरह की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज़, मैं प्रीति चंद्रा कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ।